आज बनाएंगे गाजर का हलवा, तो इसलिए गाजर को कस लिए। अब गाजर का हलवा हक रहा है, मसाला रेडी है। आज बना रहे भाभी जी पकौड़े, अभी तो मीठे वाले। अच्छा, अभी गंडक वाले बन रहे हैं ना। आज बनाएंगे गाजर का हलवा, तो इसलिए गाजर को कस लिए। दूध भी लिया और मलाई डालेंगे इसके अंदर, दो दिन की मलाई इकट्ठी की है वो वाली, प्रज्ञान भी बता रहा है। और मम्मी जी इधर दाल धो रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय राजस्थानी फैमिली ब्लॉग। और अब बजे सुबह के 9 बजे और आज इतनी ज़्यादा ठंड है, रात से ठंडी हवाएं चल रही है, तो अब सुबह सुबह तो इतनी ठंड है कि नाक भी ठहर रहा है। और धूप तो अभी तक आई भी नहीं है और बहुत ही ज़्यादा धुंध आके रखी है। और अब मैंने गाजर वगैरह कस लिए और शीरा चढ़ा के, ये हलवा, सॉरी शीरा नाम आ रहा है, गाजर का हलवा बनाएंगे। उसमें हलवा बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, क्योंकि उसको तो चढ़ाया फिर फ्री हो जाते हैं, अपने आप बनता रहता है, लेकिन कसने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और मम्मी जी अभी धो रहे दाल, क्योंकि आज बनाएंगे हम दाल के, मोठ की दाल के पकौड़े बनाएंगे और गाजर का हलवा। और मैं अभी ऊपर आई हूँ, नीचे झाड़ू वगैरह निकाला, अब ऊपर आई हूँ ऊपर की साफ़ सफाई करने के लिए। और प्रज्ञान को सुला दिया मैंने, और आगे हम क्या क्या करेंगे वो सब करूँगे मैं आपके साथ में शेयर। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अब कर लेते फटाफट सफाई, फिर नीचे जाके करेंगे। अब जब तक हलवा भी बन जाएगा गाजर का, उसके बाद में पकौड़े बनाएंगे। अभी टीवी देख रहे हैं क्योंकि आज सुबह जल्दी चला दी, बहुत ज़्यादा ठंड है, तो इसलिए मम्मी जी ने बोला अंदर बैठी रहेगी वरना इधर उधर करके घूमेगी, तो इसलिए टीवी चला के रखी हुई है। करते हैं, आज ठंड बहुत है, ऐसे नाक अभी तक ठहर रहा है ऐसे, और मैं ऐसे मन ही नहीं कर रहा, बस रूम में बैठे रहे, बाहर ना निकले। और ऊपर आई हूँ ना तो इतनी ज़्यादा हवा चल रही है, ठंडी ठंडी बहुत ज़्यादा। अब गाजर के हलवा हक रहा, दूध इसमें, दूध और मलाई चीनी भी ऐड कर दिए, और दाल भी धो लिए सारी। आज बनाएंगे पकौड़े हैं, चलो पेपे चलो चलो। अरे अले, अले, अले। भाई जीजी को पकड़ो, जीजी को पकड़ो, बोले पीपी पर क्या ऐसी गाड़ी आ रही। हां, अब हलवा बनकर हो गए तैयार, टिफिन निकाल दिया, मेरे भी ले लिया, काफी गर्म हो रहा है। और मसाला रेडी है, आज बना रहे भाभी जी पकौड़े, अभी तो मीठे वाले बन रहे हैं। अच्छा, मीठे वाले बन रहे हैं क्या? पहले पहला पाया शुरू ही किया। अच्छा, अभी गंडक वाले बन रहे हैं ना। दाल का मसाला है, ये गुड़ का, मीठे वाले इलायची, गुलगुले गुलगुले, हाँ गुलगुले, और ये तो लहसुन के हैं, और ये हींग के, सौरभ जी के पसंद के, ये मेरे फेवरेट है। हाँ, क्या करेंगे अभी इसको, बड़े खाने हैं अभी तो, मीठे वाले बने। कावे क्या खाना तेरे को, इधर देख, इधर इधर गुलगुले खाने, गुलगुले क्या खाने, क्या खाने, गुलगुले खाने, बाल लड्डा बेटा, उड़े तो बाल लड्डा दो, गुड बॉय गुलगुले बोल यहाँ। मम्मी जी बना रहे बड़े अंतर ये सब्जी में, कैसे बने हैं सब, दो दे तो गाऊंगा बहुत स्वाद बने हैं। हकीकत में बहुत टेस्टी बने, टेस्टी बने बेटा, बड़े
इस सब बड़ा नहीं मैं डूंगरगढ़ में बन रहा हूँ। नहीं कभी कभी से पापा खिलाता नहीं बहुत मस्त लगता कभी कभी स्पेशल भी बहुत ज्यादा स्वाद। काव्या यहाँ पे आके सोई कैसे है? है? बड़ा खाया कि काव्या बड़ा खा लिया चाचू पापा के साथ खाया ने ज्यादा तो कौन खाया बड़ा ज्यादा खाया कहा छुट्टी की है पेट दुखले दुख पावेगी अरे काव्या ज्यादा खा लिया बड़ा आज पच पी लिया ऊपर पानी दुख पावे हाँ और वो देखो बड़ा खाया जब मुंडा पर सॉस लगाया जो को अब कूद ये तू गिर जाएगा फुट जो भी दो अब तू कूद सी काल दो नी भाई बहन कूदा कूद जो देखो आज काव्या दुख पा रही तो छुट्टी है अब भाई ने कूद तो देख मन कर रही है कोई और ना मोजा पे रहे मोजा पहनो देखो कितनी समझदार है ये रे मोजे रेड वाले पहन ले हाँ कोई बात नहीं होगा पहन ले ठीक है ये देख ऊपर चढ़ रहा देख दे 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 ऑस लगा रहा है ताता है ताता गरम है ज्ञान गरम है बिल्कुल तो देखो मुंह देखो कानों सोख बढ़ लियो इधर देखो उल्लू देखो छोच देखो क्या लगायो देख सर छोच क्या लगे उल्लू अब हो गए काम से फ्री और अब नाई हूँ मैं और बड़े बड़े खाए हैं अब तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे बड़े और आज मौसम भी बड़े खाने का ही था बहुत ही धूप तो आई नहीं थोड़ी बहुत आई है अब आई है वो भी थोड़ी बहुत आई है और आज ये बड़े बहुत ज़्यादा बनाए थे दाल भी बहुत सारी भिजोई थी क्योंकि हमारे पड़ोस में चाचा चाची हाँ चलाऊँ इसको ले चलाते ले तो उनके भी पहुँचाए थे क्योंकि जीजी वगैरह आए हुए हैं तीनों जीजी प्रज्ञान बोल रहा है उसके साथ तो तीनों जीजी आए थे उनके भी पहुँचाए थे और बाहर हमारे जो मिस्त्री जी काम करते हैं ना उनको भी खिलाए थे तो आज बहुत सारी दाल भी जोई थी और अब प्रज्ञान को सुलाऊंगी मैं हाँ इसको सुला दूँ फिर अब थोड़ी देर करेंगे रेस्ट और मैंने तो बड़े थोड़े बहुत शुरू शुरू में ही बनाए थे बस फिर उसके बाद सारे मम्मी जी ने बनाए पहले सब ने खाए फिर उसके बाद में मैंने खाए मम्मी जी ने तो फिर सबसे लास्ट में जिम में थे और हलवा भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था पहले हलवा बना के ना तो तभी खा लिया थोड़ा बहुत उसके बाद बड़े खाए तब तो बिल्कुल भी नहीं भाया था लिया था पास में अब बाद में ही खाएंगे अब फिर ज्ञान को सुलाती हूँ टाइम पर सुला देती हूँ तो फिर रात को वापस टाइम पर ही सोएगा आज बहुत ज़्यादा ठंड है काव्या प्रज्ञान दोनों को ब्रेड बहुत पसंद है ब्रेड खा रहे हैं अब बच्चे शाम के 5:30 और दूध मैंने गर्म करने के लिए अभी रखते हैं और शाम को खाने में क्या बनाए क्योंकि पकौड़े काफ़ी बच्चे हुए खींचे वगैरह भी फ्राई किए थे बाद में वो वाले मीठे वाले पड़े हाँ पिलाती हूँ और थोड़ा बहुत आटा लगाइए ले पानी ले तो उसकी चपातियाँ बना लेंगे जो खाएंगे रोटी सब्जी खाएंगे वो रोटी सब्जी खा लेंगे ना पकोड़े खा लेंगे और पहले मैं जाती हूँ ऊपर कपड़े अंदर रखती हूँ सूखे तो नहीं है लेकिन अंदर स्टैंड पे कर दूँगी तो जाती हूँ ऊपर बन रही है चाय मैं पहले जा रही थी ऊपर कपड़े अंदर रखने के लिए लेकिन पहले बनाने लग गई हूँ चाय फिर बाद में जाऊँगी कपड़े अंदर रखने के लिए चाय बना के फिर मम्मी जी को देख कर आऊँ क्योंकि आए हुए हैं जीजी और मम्मी जी के लिए दोनों के लिए चाय बना दूँ हाथ जोड़ दे हाथ जोड़ दो भगवान को हाथ जोड़ना चाहिए बच चुके हैं नौ और आज प्रज्ञान सो गए इसको नींद आ गई नींद में बहुत प्यारा लगता है